नमस्ते इंडिया, मेरा नाम गणेश बाकले है और मैं पुणे से आ गया हूँ। माय नेम इज निहारिका शिंदे, आई एम फ्रॉम पुणे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सदफ शेख है, प्रोफेशनली आई एम एन ऑडिटर। आई एम डॉक्टर चिन्नोय। माय नेम इज हेमचंद्र श्रीकृष्ण आगाशे। माय नेम इज श्रिया मांडवकर एंड आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम अ स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विपिन राउत है। हाय, मेरा नाम प्रीतम सुनार है। माय नेम इज योगेश रावत। मैं यहाँ सुदर्शन साबत सर का एडवांस माइंड मास्टरी प्रोग्राम करने के लिए लोनावला आया हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सर का ये जो प्रोग्राम है, इट इज माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम। ये 4 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन जिस तरीके से सर ने सिखाया, इट वॉज लाइक इसके पहले मैंने इस तरीके का कोई कोर्स या कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था। दिस इज नॉट ओनली मोटिवेशनल प्रोग्राम, दिस इज माइंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। अपने आप को काम एंड कूल किया जाएगा, वो सर ने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बताया कि ये पहला दिन ही इतना रॉकिंग था कि पूछो मत। उसके बाद 101 मेडिटेशन प्रोसेस एक्टिविटीज, यहाँ पे एक्टिविटीज के थ्रू हमें सिखाया जाता है कि हम हमारे अंदर जो क्वालिटीज है वो यूज कैसे कर सकते हैं। इन इस प्रोग्राम में जो हुआ दैट वाज नॉट इमेजिनेबल फॉर मी। इतने सारे एक्टिविटी बेस्ड चीजें हैं, इतने सारे प्रोसेस मेडिटेशंस हैं कि एक्चुअली यू एक्सपीरियंस ब्रेक थ्रू एंड आई गॉट माई ब्रेक थ्रू। आई अटेंडेड द एडवांस माइंड मास्टरी प्रोग्राम, इट हैज बीन अ 4 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड इनर शिफ्ट जर्नी within lot of meditation, a lot of activities that were conducted together. इस 4 दिनों का जो सेशन था, थ्योरी तो हुआ ही हुआ प्लस एक्टिविटीज किया गया। एक्टिविटीज से क्या होता है, जब हम किसी चीज़ से एक्टिविटी करते हैं, फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, तब हम उसको फील कर पाते हैं। तो वो फीलिंग जब हमने महसूस किया, तब हमें उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है अगर हम इसको फॉलो करते। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको ऑलरेडी नोन होती है बट हम उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, गोल बनाते हैं बट उसको अचीव नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंटेशन का भी कितना इम्पोर्टेंस है। अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी हमने सीखी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले मेरे माइंड में कितनी सारी नेगेटिविटी थी, बट जितनी भी एक्टिविटी इस प्रोग्राम के वक्त हुई, जितने भी हमने मेडिटेशन किया, अदर एक्टिविटीज़ की, फायर वॉक किया, क्लास वॉक किया और भी सारी एक्टिविटी की, उससे ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मेरे जितने नेगेटिविटी या फियर मेरे अंदर था वो कम्प्लीटली बाहर निकल चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल से मैं अपने आप में कई सारे चेंजेस देखने वाला हूँ। जिसमें नीडल प्रेसिंग था, जो इंजेक्शंस को डरते हैं उनके लिए इट वॉज माइंड ब्लोइंग। तो आपके मन में जो डर होता है उसको निकालने के लिए उन्होंने वो एक किया था, फायर ईटिंग होता है, जैसे कि आग अपने कॉटन पे लेके उसको निगलना होता है, क्योंकि कर ही नहीं सकती क्योंकि आग कोई खाता नहीं है, लेकिन वो भी इतनी आसानी से और बिना कुछ तकलीफ हुए होगा। उसके बाद कांच पे चलना, हम जब भी रोड पे चलते हैं विदाउट बेयर फुट चलते हैं, विदाउट चप्पल के चलते हैं, तो हम बहुत डर डर के चलते हैं कि कुछ चुभ ना जाए, लेकिन डर भी निकाल दिया जिस तरीके की पूरा कांच फैला हुआ था और उस पे से चलने के लिए हमें बोला। उसके बाद एक प्रोसेस लिया, बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस था मेडिटेशन का। उसमें अपने अंदर जाने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए सर ने बोला और वो इतना ब्यूटीफुल था कि फर्स्ट टाइम इतना काम, कूल, शांत, एनर्जेटिक फील हमने किया। फायर वॉकिंग एक्टिविटी, पहले तो डर रही थी बट सर ने जो माइंड सेट किया था हम कर सकते हैं। जब वॉकिंग कर रही थी और वॉकिंग होने के बाद एक बात समझ आई, लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं। वी लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशंस एंड वी डिड मेनी डिफरेंट पावरफुल एक्टिविटीज लाइक रॉड बेंडिंग एंड ग्लास वॉकिंग। At first, I was scared to do the activities, but after I did them, I got to know that nothing is impossible. You just need to trust yourself. इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर कराई गई है, ग्लास वॉकिंग, टूटे हुए कांच के ऊपर चलना है, फायर में आपको चलना है, आपको नीडल प्रेसिंग करना है, पोटेटो को आपको थ्रू करना है बाय स्ट्रॉ। सो ये तरफ एक्टिविटी जो लगती है इम्पॉसिबल बट करने के, जब हमको पूरा एकदम हमारा माइंड चेंज किया गया, हमारा माइंड में कुछ इंस्टॉल किया गया और जब वो चीज़ एक्टिविटी किया गया, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो गई जो हम पहले सोच रहे थे कि नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें जब हम खुद फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि यार ये सब चीज़ें तो पॉसिबल है बट हमारे माइंड में इतना सारा भर रखा है हमने कि वो चीज़ हम उसको कर ही नहीं पाते। सो ये माइंड में जो हमारा ऑलरेडी जो गार्बेज भरा हुआ या जो पहले से ही प्री डिफाइंड चीज़ें भरी हुई है, उन सब चीज़ों को निकालने का काम यहाँ पर होता है और वो सब चीज़ें आपसे निकल जाती है तब आप कुछ भी कर सकते हैं। सर को मैंने देखा, सर 18 घंटा कंटिन्यूसली सेम पावर, सेम बॉडी लैंग्वेज, ही इज टॉकिंग सो फ्लुएंटली, सो क्रिस्प एंड क्लियर और हर एक चीज़ों को स्पष्टता से एकदम आपको समझा रहे, एक्सप्लेनिंग इट सो वेल।
अब हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस डिसॉल्व हो गए हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमारी लाइफ में हम दिखाई देने लगी है जो पहले थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। तो शायद इससे हम लोग लाइफ में अभी बहुत आगे जाएंगे। और सर की अगर बात करें तो सर इज अ वेरी गुड गाइड। फायर एक्टिविटी करने से पहले ऑब्वियसली फायर को देख के माइंड में एक मेंटालिटी था यार कि हम चलेंगे कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर फायर में आपने चलना है या उसके साथ छेड़छाड़ करना है तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ नुकसान होना है, ये माइंड में सेट था। लेकिन जब सर ने हमें बताया कि यू नो आपको माइंड में क्या रखना है, क्या सोच के आपने फायर में वॉक करना है, हमारे दिमाग में वही था, हमने किया और सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया। तो फाइनली हमें लगा कि यार जो हम सोचते हैं वो एग्जैक्टली नहीं है, तो इट वाज़ अ लाइक ऑसम एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सुदर्शन साबत सर का ये जो प्रोग्राम है वो सबको करना चाहिए।